Subscribe to Hot Talk on PSX and enable the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या हाल हैं? सब ठीक है अल्लाह पाक से, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। वो इस वजह से कि आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो कि बड़ी अच्छी आपको अर्निंग देने जा रहा है। इसकी बोर्ड मीटिंग भी आ रही है और इसको कतर बाय करने में इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात है, थंबनेल पे जैसे कि बताया कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 300 से लेके 400 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा। और ये आने वाले दिनों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और उसके बाद प्रीमियम और लर्निंग में आना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें 0323471428 जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात देखें कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में ये बताया भी था कि मार्केट का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या है? महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन। अब ये देखें इस कदर तेजी से ये बढ़ रहा है। ये 7.5-8% पर होता था, पहले 12% हुआ, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 24, फिर 28 पे आया। और मौजूदा दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त ये चल रहा है जी 34 के करीब करीब। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इंटरेस्ट रेट हमारा खड़ा है कितने पे? 17 पे। तो बात यह है कि IMF की तरफ से जो शर्त एक और है कि इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा किया जाए फौरी तौर पे 300 से 400 पॉइंट, जिस पे जो है अपना हमारी गवर्नमेंट का और IMF का डेडलॉक चल रहा है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और चूंकि देखें ना, इंटरेस्ट रेट जो है वो एनिमी ऑफ द PSX, ये बहुत बड़ा दुश्मन है इक्विटी मार्केट्स का। मुझे एक बात बताएं कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बैंक से लोन उसने ना लिए हो? बहुत कम ऐसे हैं जैसे आटे में नमक के बराबर। हर कंपनी अरबों रुपया वो उसने लोन लिया हुआ है बैंकों से और उसके बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि देखें, अगर बैंक का जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है 300 से 400 पॉइंट, मार्केट का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बल्कि आप ये देखें कि उससे सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर ये 19 या 20 तक चला जाता है, 19 या 20%, तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पैसा जो है वो बैंकों की तरह रखवाना शुरू कर देंगे इक्विटी मार्केट से निकलवा के, क्योंकि उनको एक बड़ा अच्छा रीजनेबल मार्जिन मिल रहा है वहां से। तो इस वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है इसके। लेकिन जहां तक मैंने अपने जो हमारे जो अपना रीजनेबल सोर्सेज हैं और उसके अलावा लगा लें कि मोतबर जराए जो है, जहां पे पूरी बात डिस्कस हुई है, आपको पता है पिछला भी जब आना था तो बड़ा ज्यादा रोला गोला मचा हुआ था वो इस चीज का कि जी इंटरेस्ट रेट 200 से 250 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन बात आपको मैं बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने आपको बताया था जी कि 100 बेसिस पॉइंट तक जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, तो आपने देखा कि सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट ही बढ़े।
तो दोस्तों बात यह है कि इतना बेसिस पॉइंट ये बढ़ा नहीं सकते, ये पूरी डिस्कशन होगी और जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी के 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1% से 1.5% तक। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 18 या 18.5 तक आ जाएगा और दैट इज इनफ। इससे ये है कि इकोनॉमी भी थोड़ी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और स्टॉक मार्केट भी एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि IMF की शर्त है। इन अदर हैंड देखें तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि अपना IMF की अप्रूवल होने जा रही है। तो दोस्तों बात यह है कि आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी है तो मार्च में, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी वक्त हंगामी बुनियादों पे मॉनेटरी पॉलिसी रख के फरवरी के एंड तक ही इसको बढ़ा सकती है। इसका इंपैक्ट मार्केट पे आ सकता है, तो आप लोगों ने पोजिशनें थोड़े मोहतात होकर डालनी है और थोड़ा इस लिहाज से चलना है कि थोड़ा वेट करके, और जो जो स्टॉक आपको बताए जा रहे हैं जैसे डिविडेंड गिविंग स्टॉक है जिनकी बोर्ड मीटिंग है नियरेस्ट, उस तरह के स्टॉक्स में आपने एंट्री डालनी है। ऐसे ही हर एक में नहीं डालनी, ताकि ये है कि जो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स होते हैं और वो कंपनीज आपके लिए ढूंढ के लाएंगे और वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे जिन पे बैंक से लोन कम है, और वो कंपनियां जो है आगे आप देखेंगे ग्रो अप भी होंगी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा मोहतात होके आपने बाइंग करनी है। और बस ये अगला वीक जो है बड़ा क्रूशल है थोड़ा सा, क्योंकि इसी वीक में जो है SLA जो है वो भी होना है, उसका फाइनल एग्रीमेंट जो कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, और साथ साथ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल भी आनी है, उसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का भी कुछ मामला उसी में आ सकता है स्टेट बैंक की तरफ से। तो ये तमाम मामला हैं, इनको थोड़ा सा देख के मोहतात होके चलना है, क्योंकि आप देखें ना मार्केट का इंडेक्स जो है वो 41,500 के करीब आके उसकी ब्रेक लग गई है। अब 41,800 क्रॉस करना अभी बहुत मुश्किल है, इसको कोई मजीद फंडामेंटली कोई मजबूत न्यूज चाहिए जो कि मार्केट को थोड़ा सा उठाए, जो कि IMF की ही हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए जो आपको रिकमेंड किए जाएंगे या जिस तरह की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी आपने उस तरह चलना है, अभी मोहतात रहना है, ठीक है। तो आज आपके लिए जो एक स्टॉक रखा है वो है जी OGDC, यह ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इसमें आप मंडे को थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं, इसकी बोर्ड मीटिंग भी आ रही है। और ये देखें आपके सामने ग्राफ रखा है, इसका अर्निंग पर शेयर देखें, इसका एक स्टेबिलिटी जा रही है थ्रू आउट द 5 to 6 years। तो आने वाला भी रिजल्ट इसका उम्मीद है कि काफी बेहतर होगा, और ये इंशाल्लाह ताला आगे गामसन भी होगा अगर कतर कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट का OGDC के मुतालिक, तो इसका शेयर का रेट आपको 120 प्लस या 130 प्लस आपको नजर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ, ढेरों दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आपका खादिम आपका मुखलिस हामिश आजाद, अल्लाह हाफिज़।